बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो कैसे आप सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल चावल, और साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ क्योंकि हमने फ्लैट जो है वो चेंज किया है। यहाँ पर एक साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके बाद आपको या तो उसको मज़ीद कंटिन्यू करना पड़ता है, अगर आपको नहीं करना तो आप लोग छोड़ सकते हैं। तो हम लोगों ने वो फ्लैट छोड़ दिया है तो हम इस टाइम शारजा में ही। पहले हम लोग जमाल अब्दुल नासिर रोड पे अल मजाज पार्क के बिल्कुल ऑपोजिट था हमारा फ्लैट, तो बट एक साल जो है वो कंप्लीट हो चुका था, तो उसके साथ ही फिर हमें चेंज करना था। तो अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ आए हैं, शारजा में ही एक ज़बरदस्त किस्म की जगह है रोला, इसे वैसे मिनी लाहौर भी बोला जाता है। और यहाँ पर जुलेखा हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट ही हमारे जो है ना वो फ़्लैट है, और 3 BHK का ये फ़्लैट है। और हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसी वजह से काफ़ी दिन से किसी किस्म की कोई वीडियो या व्लॉग मैंने अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो जैसे ही थोड़ा सा टाइम निकला तो मैंने कहा चले आप लोगों से एक रेसिपी भी मतलब शेयर कर लेते हैं और साथ में आपको स्टोरी भी सुनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं दाल कुकर में बना रही थी, कुकर में आपको पता है मैं नहीं बनाती, लेकिन इसकी एक रीज़न है, यहाँ पर जो है ना सिलेंडर हम लोगों ने रखवाया है, जो सिलेंडर है तो उसकी वजह से फिर आपको पता है गैस फिर थोड़ी सी जाहिर बात है बचत करने की ज़रूरत है, और इस वजह से हमने कुकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वहाँ पे जो पहले अलमजाज पार्क के सामने जो हमारा फ्लैट था उसमें मैं बिल्कुल भी कुकर यूज़ नहीं करती थी, किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ बनानी हो, इवन के अगर मुझे बकरे के या गाय के जो है पाए बनाने होते थे तभी भी मैं इसको ओवरनाइट के लिए रख देती थी, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एहतियात से काम लेना होगा। तो बस दाल मैंने चढ़ा दी है, वो 5 to 10 मिनट्स में इतनी अच्छी हो गई थी क्योंकि मैंने इसको सुबह से भिगो के रखा हुआ था। और ये देखें दाल ऑलमोस्ट डन है, तो इसको मैं करती हूँ साइड, दूसरी साइड पे मैंने रख दी है पानी बॉयल होने के लिए क्योंकि मैंने वो राइस बॉयल करने हैं साथ इसके चावलों के। और इसके साथ ही मैं इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें ऊपर से डाल रही हूँ, और साथ ही ये जो है तड़का जीरे का और प्याज का तड़का मैं इसमें डाल के, तो ये दाल हमारी रेडी स्टेडी हो गई खाने के लिए। बस बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी और इस वजह से आपको पता जब शिफ्टिंग करें तो उसके बाद काफ़ी टाइम लग जाता है सेट होने में, तो यही हुआ है। और बट अल्हम्दुलिल्लाह सब यहाँ पे अच्छा है, सामने घर के बिल्कुल हमारे पार्क भी है, और सबसे अच्छी बात है कि सब बिल्कुल ऑपोजिट जो है ना हमारे सड़क क्रॉस करते ही रोड जैसे ही क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे मस्जिद है, और इतनी क्लियर आवाज़ आती है अज़ान की, नमाज़ की, जमात की, तो जिसकी वजह से बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर भी बहुत है दिल लगे अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो बस थोड़ा सा टाइम लगता है सेट होने में, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड ऑल फाइन। तो बस यही है जी, बस दाल चावल हमारे रेडी हो गए, हम लोग इसको खाने लगे थे। और इसके साथ ही थोड़ी देर बाद ही मैंने जो है ना पैकेट वाली जो शान की होती है रसमलाई, मैंने वो तैयार की थी, जिसके लिए मैं आपको बताते चलूँ कि इसमें कोई भी ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, सब कुछ बना बनाया होता है, जस्ट आपने दूध बॉयल किया, इसके साथ ही ये जो शान का रसमलाई है जो भी नेशन का भी होता है, हर तरह की मतलब कंपनीज के होते हैं, तो ये ऑलरेडी सारा कुछ रेडी होता है, इसको बिल्कुल भी मतलब इतना गूंदने की ज़रूरत नहीं होती जिस तरह हम नॉर्मल जो रसमलाई बनाते हैं तो उसको हम अच्छे से नीट करते हैं, तो इसमें इस तरह का कोई सीन नहीं होता। इसमें आप मीडियम साइज़ का या स्मॉल साइज़ का एक एग इसमें ऐड करें, और साथ इसमें जो है ना आप अगर देसी घी नहीं है तो आप डोंट वरी, तो इसमें आप जो है वो ऑयल ऐड करें, 1 टेबल स्पून के करीब ऐड करें, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें और ये रेडी हो जाएगी। और इसमें दूसरी जो रसमलाई हम लोग होममेड बनाते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा इसको मतलब हथेलियों की मदद से उसको गूंदना होता है, लेकिन ये सारा मिक्सचर जो है वो रेडी होता है तो इसमें कोई इतना मतलब मसला नहीं होता। तो इसके साथ ही जब इसको ये इसको मैंने रेडी कर लिया तो मैंने बस हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा के इसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ बना ली, मतलब साइज़ बहुत ही छोटा होना चाहिए क्योंकि ये ना मतलब जब ये
बन जाती हैं, ये रेडी हो जाती हैं तो ये अपने साइज़ में डबल ट्रिपल हो जाती हैं, तो इस वजह से। और बस इसके साथ ही मैं जैसे ही दूध में बॉईल आया मैंने इसमें ऐड कर दिया कंडेंस मिल्क, ये भी ऑप्शनल है, अगर है तो ऐड करें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आप शुगर ऐड कर सकते हैं। मैंने 4 to 5 टेबल स्पून इसमें ऐड की थी, 1 लीटर जो है वो मिल्क था। जब भी कोई मेहमान आना हो, मतलब जो कोई जल्दी काम करना हो, तो ये ज़रूर घर में रखें, मीठे के लिए बहुत ईजी है और ये 5 से 10 मिनट में ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है। तो बस इसको ठंडा करते हैं, इसको खाते हैं। तो साथ ही मैंने इसमें ज़ाफ़रान ऐड किया था, ज़ाफ़रान भी मतलब ज़्यादा ऐड नहीं किया, बस 1 या 2 जो है पिंच वो मैंने इसमें ऐड की थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसका कलर भी मतलब बहुत खूबसूरत आता है इसकी वजह से। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग ना इसमें ऐड करें। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लें। मैंने बाद में जब गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें ऐड किए थे, तो जब दूध अच्छे से बॉयल हो गया तो इसमें मैंने शुगर ऐड की, ताकि जो शुगर का भी मतलब अपना ही वो जो पानी छोड़ती है तो वो भी ज़रा ड्राई हो जाए और जो मिल्क है ना वो अच्छा थिक फॉर्म में आ जाए। बस जी, दूध जब दूध बॉईल हो जाएगा, जब मतलब वो अच्छा खासा बॉईल और थिक हो जाए, तो तब आप मैंने इसमें रसमलाई ऐड करनी है। और फ्लेम जो है हमने हाई ही रखना है, और हाई फ्लेम पे ये बहुत अच्छी बन जाती है, बिल्कुल लो नहीं करना इसको। और ऐसे इसको पकते हैं, ये 5 से 7 मिनट में ये बहुत अच्छी रेडी हो जाती है, कोई इसमें मसला नहीं है। और मुझे लगता था ये बहुत मुश्किल रेसिपी है, लेकिन जब मैंने इसको बनाया तो ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही मतलब जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। आप लोग भी इसको घर में ज़रूर रखें इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि कुछ गेस्ट आ जाते हैं अनएक्सपेक्टेड, तो फिर इस वजह से फिर इंसान बना लेता है, ईजी हो जाता है। तो बस ये देखें आप, इसका साइज़ भी डबल हो गया है, डबल से भी ट्रिपल हो गया था। अच्छा, एक पैकेट में जो है ना 10 से 12 जो है वो रसमलाई बन जाती है इजीली। मतलब बड़ा पैकेट मैंने लिया था, उसमें 10 से 12, अगर आप मज़ीद छोटे साइज़ की इसकी गोलियां बनाएंगी तो और भी ज़्यादा बन जाएंगी। तो बस जी, यहाँ तक था आज का मेरा व्लॉग। अब मैं रूटीन से अपनी वीडियोस जो है ना वो अपलोड किया करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि अब शिफ्टिंग हो गई है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब इंशाल्लाह डेली, मतलब डेली तो नहीं, लेकिन ये है कि मैं रूटीन से जो है वो अपनी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। हमारी ज़बरदस्त सी रसमलाई रेडी है, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।